बहुत साल से झेल रहे थे जो कांग्रेस की सरकार में ना मुश्किलें। ये बात सही है कि उन्हें अभी इतना समय नहीं मिला है, लेकिन परिवर्तन ही जरूरी है तभी देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अगर सोचता हूँ मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे ख्याल से वो एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। वो काम मोदी सरकार कर रही है वो तो कोई कर ही नहीं। अगर बीजेपी की बात है तो लोकल में क्या काम हुआ उन मुद्दों को देखकर भी। पर अभी मतलब सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ वोटिंग के पर्पज से उन्होंने निकाली है कि उनको वोट मिले। बीजेपी का वहाँ सारे हमें लगता है विधानसभा में पूरी सीटें मिली हैं और लोकसभा में भी मिलेंगी। बिल्कुल नहीं देंगे हम तो, 1% भी नहीं देंगे। देखा मोदी जी के चेहरे पे ही खड़ा जा रहा है। बिल्कुल आएगा, परिवर्तन तो आना भी चाहिए। बात ये फिल्टर तो लगेंगे उसमें कि किस न किस पे हुआ, क्योंकि अभी शुरू में सबको दिया गया है, सबको पैसा ही पैसा बांटेंगे। परिवर्तन की लहर तो तभी आएगी जब सरकार चेंज होगी, वरना तो। हाँ, सरकार ने काफी योजना निकाली है, लाडली लक्ष्मी योजना भी निकाली है। बोला बहुत कुछ, लोग बेरोजगार ना रहे हैं और हाँ महिलाओं के मुद्दे पे भी हुआ है काम, लेडीज कैंडिडेट के लिए ज्यादा सनातन का चल रहा अभी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। भोपाल लोकसभा सीट 2024 लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में आज हम आम मतदाता और जनता की राय जानने के लिए आज भोपाल के हृदय क्षेत्र सर भोपाल से नवल खबरदार। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 अब बिल्कुल हमारे सामने आ चुके हैं, आपको लगता है कि पूर्व सरकारों से कहीं ना कहीं अगर हम कोई शिकायत रखें तो किस मुद्दे पर आपको लगता है काम नहीं हुआ? और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफी काम हुआ है, इसमें नो डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि रोजगार और बड़ी सी उम्मीद करती है सरकार जनता। गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार आना चाहिए कि हम प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जोर दे रही है? गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे तो जोर है ही है, ठीक है प्राइवेटाइजेशन करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनको इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उम्मीद कहीं ना कहीं वो भी करते हैं कि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो इस ओर में भी क्योंकि अभी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी जॉब निकल रही है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी भी निकले ऐसे उम्मीद करती है जनता। जो योजनाएं सरकार ला रही है फ्री पॉलिसी जो आजकल देश में चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पानी और या आपको कैश के लिए, आपको लगता है कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति के लिए योजनाएं खराब है? बिल्कुल, देखो लोगों को सक्षम बनाने की जरूरत है, लोग इतने सक्षम हो कि खुद ही वो सारी चीजें हासिल कर सके इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि फ्री में बिजली बांट दी, फ्री में राशन दे दिया, वैसा नहीं, लोग सक्षम हो इस पे ध्यान दें सरकार। कहीं ना कहीं हम उनको फ्री या पैसा बांट के बेरोजगार बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उसे एक जो कैपेबल हो सकता है उसे भी आप कमजोर कर रहे हैं। अगर हम उन्हें एक छोटा रोजगार दें और वही पैसा उनको सैलरी के तौर पर दें तो ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव अब आपके सामने आ चुके हैं, आप वर्तमान में भोपाल से ही? हाँ भोपाल से ही। क्या लगता है आपको क्या परिवर्तन की लहर आएगी अब की साल, आपको कुछ लग रहा है ऐसे चुनाव के विषय में आपकी क्या राय? परिवर्तन की लहर तो तभी आएगी जब सरकार चेंज होगी, वरना तो ऐसा कुछ खास लगता है। आम मतदाता आपकी क्या सोच है, आपको लगता है जो पूर्व सरकारें थी वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप उनसे संतुष्ट हैं या कुछ शिकायतें आपको? शिकायतें खैर अभी फिलहाल तो ऐसी कुछ खास नहीं है, पर खैर डेवलपमेंट की बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है, रोड्स वगैरह और ऐसी जगह काफी कुछ चेंजेस की जरूरत है। शिक्षा और रोजगार को लेकर आपकी क्या सोच है, लगता है आपको जो सरकार पूर्व में है अभी हमारे पास मोदी की सरकार है उसने इस मुद्दे पे बहुत कुछ किया हो आम युवाओं के लिए? बहुत कुछ किया तो कुछ नहीं है, बोला बहुत कुछ है पर करने की जरूरत है, किया तो नहीं है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में कुछ सुधार की आवश्यकता है? हाँ जरूर। एक यंगस्टर होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा है सरकार से, क्या चाहते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़े, लोग बेरोजगार ना रहे और बस, और ज्यादा मतलब एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनमें भी थोड़ा ग्रोथ करे और उसके अंदर भी मेंटेनेंस वगैरह का काम भी ज्यादा टाइम पे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए सरकार आमतौर पे बोलती आ रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपको लगता है कि देश में सरकारें महिलाओं के मुद्दे पे बहुत बात करती हैं लेकिन भूतल पे हम उसको प्रेजेंट में ऐसा कोई देख नहीं पा रहा, आपको लग रहा है कुछ ऐसा किया है सरकार? हाँ सरकार ने काफी योजना निकाली है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना भी निकाली थी और पहले भी महिलाओं की निकाली है, पर अभी मतलब सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ वोटिंग के पर्पज से उन्होंने निकाली है कि उनको वोट मिले महिलाओं का, इसलिए निकाली। बाकी एज सच तो सिर्फ मतलब जो सिर्फ वुमेन के ऊपर फोकस करे ऐसी कोई योजना है अभी? महिला आरक्षण बिल जो उन्होंने पास कर दिया है लोकसभा में, आपको लगता है इससे महिलाओं को कुछ फायदा होगा? देखते हैं, जैसे स्मृति ईरानी ने भी अपने लोकसभा चुनाव में वो राज्यसभा में बोला था कि जो महिलाओं को
जो ऑफ ड्यूटी मिलता है जब उनके वो मानसिक उससे रहती है तो वो भी बंद कर दिया जाए, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि इससे कुछ होगा क्योंकि पोजीशन में भी बहुत लोग हैं। महिला होने के नाते स्मृति ईरानी जी से कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत उम्मीद थी कि वो हमारे बारे में सोचेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस प्रश्न से या जवाब से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई। जी बिल्कुल, उनको लगता है स्मृति जी आपका पक्ष सही ढंग से नहीं रख पा रही है। लाडली बहना योजना को क्या लगता है, एक चुनावी फंडा है या इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को कुछ फायदा भी हो रहा है? कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है, जो गाँव क्षेत्र में जो महिलाएं उनको जरूर फायदा हो रहा है, पर मुझे लगता है कि ये एक मेन तो चुनावी फंडा ही है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको लग रहा है ये योजना बंद हो जाएगी? जहाँ तक है लग रहा है, क्योंकि इसमें काफी सरकार ने बोला है कि वो और उसमें से छाटेंगे महिलाओं को, और छाटेंगे और कम करेंगे, तो मे भी जो पात्र है वो और कम हो जाए पात्र महिलाओं। रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पे आपको लगता है, आप भी एक स्टूडेंट है, क्या कार्य कर रही है सरकार? ने कुछ ऐसी प्रोग्रेस दिखाई है कि एक आम स्टूडेंट को जो पढ़ाई के बाद चाहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए? बिल्कुल नहीं, रोजगार के मामले में तो सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि और घोटाले सामने आ रहे हैं रोल नंबर को लेके, और भी ढेर सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, प्लस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, सरकारी नौकरियां एक जो अच्छी पढ़ाई करके जो निकलता है वो सरकारी नहीं प्राइवेट सेक्टर की ओर चला जाता है या वो विदेशों की ओर रुख कर लेता है। सरकार को ऐसी योजनाएं लाना चाहिए कि हमारे देश का युवा अपने देश में ही नौकरी करे, यहीं सेवा करे, तो हमें उसका फायदा मिलेगा। चलिए हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आइए हम कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। नमस्ते दीदी। लोकसभा चुनाव भाव भैया, परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए, भाजपा की सरकार अच्छी है, इतने साल से बहुत साल से झेल रहे थे जो कांग्रेस की सरकार में ना मुश्किलें कुछ कम हुई है। किस प्रकार की सरकार तो नहीं चेंज होना चाहिए, मोदी जी का अच्छा नेतृत्व तो है। तो महिलाओं के मुद्दे पे सरकार आपको लग रहा है कुछ काम कर पा रही है? हाँ, महिलाओं के मुद्दे पे भी हुआ है काम, उसकी सुरक्षा वगैरह यूपी वगैरह में कितना ज्यादा क्राइम था वो हटाया, कम से कम अब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है। लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल पास किया गया है उससे आपको लगता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लेडीज को वोट सीट पर खड़ा करना ही चाहिए खड़ा, जब उन्हें आरक्षण दिया है तो लेडीज कैंडिडेट के लिए ज्यादा बेनिफिट है ना। भोपाल लोकसभा सीट से वर्तमान में दो प्रत्याशी आमने सामने, मेन बीजेपी से आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव। जबलपुर में आपको लग रहा है कि बीजेपी का परचम फिर से लहराएगा भैया बीजेपी का, वहाँ सारे हमें लगता है विधानसभा में पूरी सीटें मिली है और लोकसभा में भी मिलेंगी। 400 पार का जो नारा है मोदी जी दिया है होगा इस बार होगा। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आइए जानते हैं हम भाई साहब की राय, भाई साहब बताइए आप क्या लगता है आपको 400 पार का नारा कितना सार्थक? पार से ज्यादा ही आगे निकल जाएंगे क्योंकि सनातन का चल रहा है अभी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि सरकार को 400 पार जाना चाहिए? सरकार जाएगी, काम भी अच्छा कर रही, गरीबों को खूब राशन बांट रही है, पैसा दे रही है, लाडली लक्ष्मी पैसा दे रही है, पैसा जो सरकार पैसा देगी वो जीतेगी। तो आप इससे कितने सहमत हैं कि सरकार का हमें भी पैसा दे, हम भी बार बार सरकार बनाएं? मतलब जो सरकार आपको फ्री पैसा या फ्री योजना देती है उसी के साथ रहेंगे हमेशा, हमेशा यही भरोसा है कि हमें कोई रोजगार नहीं चाहिए, फ्री में पैसा मिलेगा हमसे वोट देंगे। लेकिन चुनाव के बाद अगर ये योजनाएं बंद हो जाती है तो बंद करेगी सरकार, ऐसे थोड़ी मोदी जी कुछ भी किसी का बंद नहीं करेंगे, सबको पैसा ही पैसा बांटेंगे। हमारी उनसे पूरी हार्दिक रूप से इच्छा है कि मोदी जी बने प्रधानमंत्री। चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बताइए कहाँ से हैं आप? इंदौर से। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी बताइए आपको पूर्व सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं, मोदी जी की सरकार से कितने संतुष्ट? जो काम मोदी सरकार कर रही है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। किस प्रकार के काम? कोई एक अच्छा विकास, विकास के मुद्दे पर आप मोदी जी के साथ हैं। अभी आपको लगता है कि जो सरकार वर्तमान में योजनाएं चला रही है एक आम आदमी को उनसे भरपूर फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, जो हमारे आयुष्मान कार्ड है या जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सारी, मतलब उन्होंने जो भी योजनाएं दी उनसे पूरी हिंदुस्तान की जनता को फायदा हो रहा है। आपको उसमें क्या कुछ कोई एक योजना है जिससे आपको कुछ फायदा हो रहा हो? लाडली बहनों। लाडली बहनों कितने कैंडिडेट हैं आपके घर में? लाडली बहनों चार लोग आपके घर लाडली बहनों से जुड़े। अगर मान लीजिए सरकार लोकसभा चुनाव पर इस योजना को बंद कर देती है तो कितना असर पड़ेगा सर? इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष का कहना है ये लोकसभा चुनाव तक ये एजेंडा जारी रहेगा, उसके बाद शायद सरकार इस योजना को बंद कर देगी। पता नहीं, ये तो अल्लाह जाने। आपको लगता है राम मंदिर का जो मुद्दा सरकार ने सुलझाया है वो आने वाले समय में देश के लिए बहुत अच्छा है? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपको क्या लगता है, कोई परिवर्तन आएगा आपकी बात? परिवर्तन की उम्मीद तो कम ही है क्योंकि यहाँ पे जो भी है बीजेपी पहले से थी,
और बीजेपी ही आएगी, क्योंकि तो जैसे अपन ने इस चुनाव में देख चुके हैं विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी का बहुत अच्छी लहर है और शायद इस बार हुई है। कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को उसका क्रेडिट दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसका सही बात है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि शिवराज मामा बेस होने के बाद भी लोगों का यही कहना था और बहनों का यही कहना था कि लाडली बहना योजना से बहुत लाभ मिला है, और उनके हटने के बाद बहुत सारी बहनें नाराज हुई थी कि मामा ने हमारे लिए इतना कुछ करा है और उनको वापस नहीं लाया गया है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश था और इसी की भरपाई करने के लिए शायद उन्हें टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं एक आम मतदाता को, एक आम वोटर्स को ये डर है कि लोकसभा चुनाव का लाडली बहना योजना में छटती हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्या असर पड़ेगा इसका वर्तमान में बीजेपी की सरकार में? सर वो तो होना है, क्योंकि ये एक फ्रीबीज हैं जो गवर्नमेंट ने दी है, वो कभी ना कभी तो बंद होंगी, क्योंकि बात ये फिल्टर तो लगेंगे उसमें कि किस ना किस पे ये हुआ है, क्योंकि अभी शुरू में सबको दिया गया है, अब हो सकता है कि सारे चेंजेस आए। शिवराज सिंह अच्छे मुख्यमंत्री थे कि मोहन अच्छे मुख्यमंत्री हैं? सर ये तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप भी एक आम पब्लिक हैं। मैं यहाँ से हूँ, अब्दुल लगन से हूँ, भोजपुर क्षेत्र से हूँ, तो मेरे विधायक तो सुरेन पटवे जी हैं, लेकिन मैंने जो काम देखा है शिवराज मामा के दौर में, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अपने हैं, जो एक छवि यहाँ पे मोहन यादव जी के द्वारा कम ही आया, अभी उनको पर्याप्त समय नहीं मिला है कार्य करने के लिए। ये बात सही है कि उन्हें अभी इतना समय नहीं मिला है, लेकिन जो पहले से जुड़ाव मामा के साथ रहा है वो शायद मुश्किल है कि किसी लोगों को। शिवराज सिंह की लोकप्रियता का जो ग्राफ है, आपको लगता है इस लोकसभा चुनाव में मोहन यादव जी उस ग्राफ के पार निकल पाएंगे, बीजेपी को वो परचम लहरा पाएंगे बीजेपी का? सर शिवराज मामा अभी बहुत बड़ा शहर है और शायद हो सकता है इन्हें मौका मिले तो ये कर पाए, लेकिन अभी तो थोड़े समय के लिए मुश्किल। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 में वर्तमान में आपको क्या लगता है, कोई परिवर्तन आएगा क्या देश में? बिल्कुल आएगा, परिवर्तन तो आना भी चाहिए। पूर्व सरकार से आप संतुष्ट हैं कि आप कुछ शिकायतें हैं? शिकायतें हैं, महंगाई बेरोजगारी इतनी है कि जिसकी कोई हद होती है। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को आप कितना परसेंट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो 1% भी नहीं देंगे। आपको लग रहा है ये दो मुद्दे हैं जिन्हें सरकार ने अनदेखा करा है, इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। एक आम मतदाता की जो शिकायतें हैं उसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी, इन मुद्दों पर बिल्कुल भी सरकार काम नहीं कर रही है, तो वर्तमान में आप इस सरकार से कितने असंतुष्ट हैं? आपको लगता है एक परिवर्तन आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए, 101% आना चाहिए, परिवर्तन ही जरूरी है, तभी देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। विपक्ष में कोई ऐसा नेता जो आपको लगता है कि इस सरकार के अगेंस्ट खड़ा होगा तो शायद वो कुछ बड़ा परिवर्तन ला पाए? अब वो तो जो इंडिया का जो गठबंधन है वही परिवर्तन लाएगा। इंडिया गठबंधन में जैसे राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, आपको लगता है कोई है जो मोदी के सामने प्रत्यक्षोपन बड़ा चेहरा के? ममता बनर्जी भी है, खड़गे भी है, मतलब बहुत चेहरे हैं। वर्तमान में लोकसभा सीट भोपाल से अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आपको कि एक डमी कैंडिडेट की तरह उनको यूज किया गया है? नहीं, अच्छा कैंडिडेट है, अच्छी टक्कर देंगे, और अगर बेईमानी नहीं हुई तो चुनाव जीत भी जाएंगे। मतलब हो सकता है कि एक साइलेंट अटैक भी किया जा सकता है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। भाई साहब से बातचीत, भाई साहब नमस्कार। आप भोपाल से, 2024 का चुनाव आपको क्या लगता है कि मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है कि विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? मेरे ख्याल से मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है। अगर हम किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो हम सिर्फ मोदी जी को देख के ही, ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अगर इसे हम गलत, एक आम मतदाता की भाषा में से गलत कहें तो क्या लगता है? एक चेहरे पर तो नहीं लड़ना चाहिए चुनाव, मेरे हिसाब से जो जैसे लोकल गवर्नमेंट के क्या काम है उसको भी देखना चाहिए उसके फेस पे, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। तो अगर बीजेपी की बात है तो लोकल में क्या काम हुआ उन मुद्दों को देखकर भी जो है वोट करना चाहिए। जैसे पूरे देश में कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को शायद अनसुना कहा जा रहा है या सरकार ने इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया है, खासकर महंगाई का ऐसा मुद्दा है जिसे लोगों को लगता है कि मोदी सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, आपको लगता है? नहीं, अगर महंगाई बढ़ी है तो मेरे ख्याल से आय भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ सारी गवर्नमेंट के साथ में कुछ ना कुछ मुद्दे लगे रहते हैं, लेकिन अगर विकास के काम देखे जाए तो वो अपर साइड में। राम मंदिर का मुद्दा आपको कितना लग रहा है कि राम मंदिर से गवर्नमेंट को कितना फायदा, बीजेपी को? बहुत फायदा होगा मेरे ख्याल से, 500 साल का जो इंतजार था सभी लोगों का। इंडिविजुअली अगर सोचता हूँ मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे ख्याल से वो एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो वर्तमान गवर्नमेंट ने और हाईकोर्ट के फैसले से सुलझा दिया गया है, आने वाली पीढ़ियों को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक समाज में वैमनस्य फैलाने वाला एक मुद्दा था वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि एक जो शांत माहौल का भाव आएगा दोनों पार्टीज में आएगा, वो चीज़ मेरे ख्याल से वो चीज़ अच्छी रहेगी।
कहीं ना कहीं सरकार ने इस मुद्दे से जो विवाद थे जो हमेशा बने रहते थे इस देश में वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, वो हमेशा के लिए बिना मतलब के चुनावी माहौल में उछालने के लिए कुछ वो मुद्दे खत्म हो गए मेरे पास। जो धर्म से आधारित मुद्दे तो अब समाप्त हो चुके हैं, आज जो वर्तमान में एक आम मतदाता है उसके लिए महंगाई, रोजगार, शिक्षा के मुद्दे प्रायोरिटी रखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद।